सदर थाना क्षेत्र के सहदेव नगर में बाइक पर सवार होकर जा रहे ताऊ भतीजे को पीछे से आ रही एक अन्य बाइक चालक ने लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए टक्कर मार दी। इस कारण बाइक के पीछे बैठा बालक बाइक से उछलकर गिर गया, जिसके कारण उसके सिर में गंभीर चोट आ गई। वही घटना के बाद दूसरा बाइक चालक बाइक सहित मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी पर परिजनों ने बालक को उपचार के लिए राजकीय अमको अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर बालक की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे अजमेर रेफर कर दिया। एम्बुलेंस की सहायता से अजमेर ले जाने के दौरान बालक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। बालक के शव को राजकीय अमृतकौर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। जानकारी के अनुसार बाड़िया शामा निवासी सुनील काठा सहदेव नगर में ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाता है। सोमवार रात 8 बजे के करीब सुनील का 3 वर्षीय पुत्र शाहबुद्दीन अपने ताऊ हरजी सिंह के साथ बाइक पर सवार होकर अपने पिता सुनील के लिए खाना लेकर दुकान की ओर जा रहा था। जब वह सहदेव नगर पर पहुंचे तो पीछे से आ रहे एक बाइक चालक ने लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए हरजी सिंह की बाइक को टक्कर मार दी, जिस कारण उक्त हादसा घटित हो गया। मंगलवार को अस्पताल प्रबंधन की ओर से सदर थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने एकेएच की मोर्चरी पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पंचनामा बनाकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।